जौनपुर में श्री दुर्गा पूजा महासमिति के संगठन सचिव दिलीप तिवारी ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। बता दें कि जनपद की श्री दुर्गा पूजा महासमिति के संगठन सचिव दिलीप तिवारी नवरात्रि अष्टमी के दिन अपने समस्त पदों से त्याग पत्र दे दिया। समाज सेवी दिलीप तिवारी द्वारा त्याग पत्र देना बना चर्चा का विषय। आइए बताते चलें कि दिलीप तिवारी कौन है। एक भयावह समय ऐसा आया था कि पूरे देश में ऐसी भयावह महामारी आई जिसमें न जाने कितने लोगों ने अपनों को खोया। उस महामारी में न जाने कितनों के अपने सगे रिश्ते पिछड़ गए। जहाँ एक पिता ने अपने पुत्र से दूरी बना ली तो वहीं पुत्र ने पिता से, तो वहीं पति पत्नी के बीच उस भयावह महामारी ने संबंध खत्म कराए। कोई किसी की भी मदद नहीं करना चाहता था कि उन्हें भी वो भयावह महामारी में फैली बीमारी अपनी चपेट में ना ले ले। हर कोई एक दूसरे से दूर भाग रहा था। उस भयानक महामारी में फैली बीमारी के बीच जिले के एक नौजवान जिनका नाम दिलीप तिवारी है, जिन्होंने अपने बड़े भाई को उस महामारी में फैली भयावह बीमारी में खोया। उसके बावजूद उनके हौसले की दाद देना चाहते हैं कि कोरोना काल में लोगों के बीच पहुंच दिलीप तिवारी ने लोगों की टूटती सांसों को थामते हुए बचाने की एक जंग छेड़ने वाले ये वही दिलीप तिवारी हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। दिलीप तिवारी जन समस्याओं को लेकर आए, दिन सदैव अपनी आवाज बुलंद करते हुए सामाजिक कार्यों को अंजाम देते हुए दिखाई दे जाते हैं। आपको बता दें कि समाज सेवी दिलीप तिवारी अपनी मिशन जिंदगी फाउंडेशन टीम के साथ निरंतर कोरोना काल की महामारी में कार्यरत रहे, जिन्होंने उस बीच अपने परिवार को खो दिया। अपनों को खोने के बाद उन्हें इस प्रकार श्रद्धांजलि अर्पित की कि कोरोना महामारी में उन बच्चों के लिए जो अनाथ हुए उनके साथ वो हर जन समस्याओं के लिए, चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय हो या मुख्यमंत्री दफ्तर, हर जगह बढ़ चढ़कर कार्यवाही के लिए निरंतर प्रयासरत होते हुए दिखाई पड़ते हैं। दिलीप तिवारी।